तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टैग के बारे में जान लेते हैं कि हम अपने पेज के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। चलिए मैं यहीं पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उसके लिए आपको यूज़ करना होता है, बल्कि इसको मैं मिटा देता हूँ फॉर्म को, बल्कि फॉर्म के इस हिस्से को मिटा देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट योर सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको टैग यूज़ करना होता है सेलेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद ये भी पेयर टैग है, आपको इसे बंद करना होता है। और उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो अब आपको यहाँ यूज़ करना होता है ऑप्शन, आप लिखेंगे ऑप्शन और उसके बाद वैल्यू। आप जो भी जिन जो वैल्यू पीछे डेटाबेस में स्टोर होनी है, जो वैल्यूज उधर यहाँ आपको टाइप करेंगे, जिस तरह के लाहौर के लिए मैंने LHR लिख दिया और इतने हिस्से को क्लोज कर दिया, ठीक है। बाहर ऑप्शन शो क्या होगा, बाहर होगा लाहौर शो, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन देते हूँ और इधर दे देता हूँ डेटाबेस के अंदर कराची, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एक और ऑप्शन दे देता हूँ MUL मुल्तान, ठीक है। और इधर टाइप भी कर देता हूँ ULTN मुल्तान। चलिए ये इनको साथ साथ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। और उसके बाद ये ऑप्शन का जो टैग है ये भी पेयर टैग है, आपको इसे भी क्लोज़ करना होगा। बाज़ औक़ात इसे अगर क्लोज़ ना भी करेंगे तब भी काम करता है, ठीक है। और पर कई दफ़ा नहीं करता, इसलिए हमें इसे क्लोज़ कर लेना चाहिए। और अब देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हुई है। चलिए टेक्स्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है। ये देखें सेलेक्ट योर सिटी, और ये यहाँ से हम अपने कोई भी शहर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी। इस तरह से आप अपने पेज के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप फर्दर और भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा के यहाँ को एक और आपको दिखाता हूँ। आप लिखें इनपुट इसकी टाइप, जिस तरह की अगर फेवरेट कलर पूछा जाए तो आप यहाँ कलर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बस आपको इतना ही टाइप करना है कलर, और यहाँ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर, सेव करते हैं अपने, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये कलर्स आ गए, आप यहाँ से जो भी कलर चूज़ करना चाहें अपने पेज के लिए, अपनी साइट के लिए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। सेलेक्ट योर कलर, ऐसे कलर का बॉक्स बन जाएगा, आपको जो भी कलर चूज़ करना हो आप वो चूज़ कर लें, ठीक है। ऐसे ही एक और है, कलर की जगह आप यहाँ डेट लिखें, ठीक है। सेलेक्ट योर बर्थडे, ठीक है, सेव करते हैं। और अब आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ डेट का आ गया ऑप्शन। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अगर बर्थडे के बारे में पूछा गया हो तो उसके बारे में आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं सिंपली। ऐसी एक और टैग, इसकी टाइप अगर आप टाइम कर देंगे तो ये वहाँ आपको टाइम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें और ये देखें, ये देखें, अब ये आपको टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, जो भी टाइम हो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है।